नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से उल्टी गंगा बहना यह कहावत क्यों कही जाती है इस संबंध में बात करेंगे। इसके पीछे एक अत्यंत धार्मिक कहानी है जो हमारे समाज की कुरीतियों के ऊपर प्रहार करती हुई नजर आती है और इस प्रसिद्ध लोक कहावत का भी उद्गम स्थान मानी जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में छुआछूत और जातिवाद काफी प्राचीन समय से चला आ रहा है। खासकर कलयुग के प्रादुर्भाव के बाद तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज के समय जब हम आधुनिक युग में एक नई छलांग लगाने जा रहे हैं तब भी ये जाति पाति और भेदभाव कम नहीं हो रहा है। खैर, यह तो सामूहिक जनभावना और भारत सरकार की इच्छा शक्ति पर ही आधारित है कि वह समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। खैर, उल्टी गंगा बहना क्यों प्रसिद्ध है इसके पीछे जो कहानी है वह इस प्रकार से है। संत रविदास जी जो चमार समाज से आते हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। अत्यंत दुखद बात थी। संत रविदास जी और उनका परिवार काशी में रहते थे। संत रविदास जी उनके प्रियगण तथा कुछ ग्रामवासी उनके पिताजी का अंतिम संस्कार के लिए गंगा तट पर बने शमशान घाट ले गए। गंगा घाट पर उपस्थित कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि ये अछूत जाति के हैं और इनका अंतिम संस्कार यहाँ नहीं हो सकता है जहाँ हम उच्च जाति के लोग अपने प्रियजनों का संस्कार करते हैं, यह ठीक नहीं। संत रविदास जी अत्यधिक सुलझे हुए व्यक्ति थे और वह समाज के इस छुआछूत का विरोध करते थे, लेकिन वह हमेशा लड़ाई झगड़ों और द्वेष भावना से हमेशा दूर रहा करते थे और यही एक अच्छे संत की पहचान भी होती है। और यह वह समय नहीं था कि वह इस पर विवाद करते। संत रविदास जी ने पूछा कि फिर हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कहाँ करें। इस पर उन लोगों द्वारा शमशान घाट से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक जगह बताई गई जहाँ आप जाकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इस दुख की घड़ी में किसी भी प्रकार का विवाद उचित नहीं था तो सभी लोग शालीनता के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां अंतिम संस्कार करना था। अंतिम संस्कार के बाद संत रविदास जी ने माँ गंगा से अपने पिताजी की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। विडम्बना यह थी कि माँ गंगा उस स्थान पर इस तरह बह रही थी कि वह स्थान उसकी धारा के उलट दिशा में पड़ रहा था, लेकिन संत रविदास जी की प्रार्थना पर एक ऊंची लहर और बड़ी लहर धारा के विपरीत आकर उनके पिताजी की अस्थियों को अपने साथ ले गई और उनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। जब यह खबर फैली तो सभी लोग उस स्थान को देखने पहुंचे जहां गंगा उल्टी बहकर आई थी, क्योंकि वहां उसके निशान भी थे। माँ गंगा के इस उल्टे प्रवाह की वजह से उस स्थान का नाम उल्टी गंगा पड़ गया, क्योंकि यह एक असंभव कार्य था। कभी भी पानी उल्टी दिशा में नहीं बहता है, यह आप और हम सब जानते हैं, लेकिन वहां बहकर आया था। इसलिए जब भी किसी ऐसे कार्य का संबोधन किया जाता है जो लगभग असंभव हो, या फिर कोई व्यक्ति, समाज या संगठन किसी ऐसे कार्य को कर रहा है जिसका वह पहले विरोध कर रहा था, तो भी इसे उल्टी गंगा बहना कहकर संबोधित करते थे। तो संत रविदास जी के जीवन की यह एक घटना है जिसकी वजह से उल्टी गंगा बहना कहावत प्रचलित हुई और यह माँ गंगा का चमत्कार और रविदास जी का चमत्कार इस तरह भी इस घटना को प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।